एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज हेल्थी एंड सेफ। वेट लॉस, समर आते ही वी ऑल वॉन्ट टू गेट इन टू आर ड्रेसेस एंड हमें वेट जो हमने गेन किया है सर्दियों में पराठे खा खा के वो चुभने लगता है एंड वी जस्ट वॉन्ट टू शेड दैट वेट जैसे भी हो। बट इस केस में हम ऐसे सडन वेट लॉस में हम कर देते हैं बहुत सारा अपनी बॉडी को नुकसान, हमारी स्किन खराब हो जाती है और हमारे हेयर भी फॉल होने शुरू हो जाते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्दी वेट लॉस एंड आई एम गोइंग टू शेयर सम इंटरेस्टिंग टिप्स ऑन लूजिंग द वेट इन अ हेल्दी वे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्लिनिक एक्जिमस। सो वॉट इज हेल्दी वेट लॉस? हेल्दी वेट लॉस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये समझें कि वेट किस किस कॉम्पोनेंट से बना होता है। हर सुबह यू आर वेरी स्केयर टू गेट अप ऑन दैट वे स्केल एंड वे योर बॉडी, बट अंडरस्टैंड कि जो आप वेट अपने वेइंग स्केल पे देखते हो वो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स का मिक्सचर है। आपका वाटर जो आपकी बॉडी में है, आपका मसल, आपकी बोन एंड आपका फैट, ये चारों चीज़ें ही आपका वेट दिखाता है। तो वेट को लूज करने के लिए या तो आप बोन डेंसिटी लूज कर सकते हो, मसल डेंसिटी लूज कर सकते हो, पानी लूज कर सकते हो अपनी बॉडी से, या फैट लॉस कर सकते हो। हेल्दी वेट लॉस इज लूजिंग दैट एक्स्ट्रा फैट, नॉट दी अदर थ्री कॉम्पोनेंट्स। और यही गलती हम करते हैं, हम टारगेट करते हैं कि वेइंग स्केल पे वेट कम हो जाए और वो किसी भी तरीके से हो जाए। हेल्दी वेट लॉस इज इक्वलेंट टू लूजिंग द एक्स्ट्रा फैट दैट यू हैव ऑन योर बॉडी एंड उसके लिए इंच लॉस सबसे क्रिटिकल मेजरमेंट फैक्टर है। तो प्लीज़ उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन गेटिंग अप ऑन द स्केल एंड थिंकिंग कि यार मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। अब टिप्स क्या है हेल्दी वेट लॉस के? सो मैं रीजंस और टिप्स को साथ साथ कंबाइन कर रही हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहला कैलोरीज। ना यहाँ पर रीज़न है कैलोरी, और रीज़न कैलोरी में दो है, क्वांटिटी ऑफ कैलोरी एंड द क्वालिटी ऑफ कैलोरी। अब इसको कैसे मैनेज करना है? सी, कैलोरीज हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, पर आप किस तरह का एक लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपकी एज कैसी है, उस हिसाब से आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ और एक नॉर्मल इंसान के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2000 कैलोरीज सफिशेंट है डे में। अब वो कैलोरीज आप अपने फूड में से कहाँ से अचीव कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो कैलोरीज प्रोटीन में से ले रहे हो या हेल्दी फैट्स में से ले रहे हो, दैट विल लीड टू अ हेल्दी वेट लॉस। पर अगर आप वो शुगर से ले रहे हो, यानी कि मिठाई से ले रहे हो या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हो, देन दैट इज़ अनहेल्दी वेट गेन। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज पे ध्यान दीजिए। दिस कैन गो अ लॉन्ग वे इन चेंजिंग द माइंडसेट एंड योर लाइफस्टाइल फॉर अ हेल्दी वेट लॉस। सेकेंड इज वाटर। 70% ऑफ आर बॉडीज आर इज वाटर। स्किन के लिए भी, अपने नॉर्मल फंक्शंस को करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम अपना वाटर इनटेक कम करते हैं तो बॉडी स्टार्ट्स रिटेनिंग मोर वाटर, और इसकी वजह से आपका वेट गेन ऑन द स्केल शो होता है। सो वाटर इनटेक बढ़ाइए, डिपेंडिंग ऑन आप कितना वाटर लूज कर रहे हैं इन अ डे। ऑन अ बॉल पार्क फिगर, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज गुड इनफ फॉर अ नॉर्मल पर्सन। थर्ड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके वेट लॉस में। अब ये दो तरीके से हेल्प करता है, फर्स्टली टू रिमूव दैट एक्स्ट्रा फैट, एंड सेकेंडली टू गिव यू अ मेंटल बूस्ट। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे हेल्दी हार्मोन जैसे इंडोर्फिन्स सिक्रीट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंड वी फील गुड अबाउट आवर सेल्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं सो मेक श्योर कि आपके एक्सरसाइज प्लान में वेट ट्रेनिंग एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे। सिर्फ कार्डियो करने से हमारा जो मसल है वो भी वेस्ट होता है, हमारी कैलोरीज भी नीचे डिप हो जाती है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन हुआ है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आता। विज जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उससे आपकी बोन डेंसिटी, मसल डेंसिटी और इंच लॉस बहुत अच्छे से होता है। इनफैक्ट अगर आप 1 घंटा
ट्रेडमिल पे रन कर रहे हैं या जॉग कर रहे हैं और उसकी जितनी कैलोरीज और जितनी एफिशिएंसी वहाँ पर है उसमें आप 15 टू 20 मिनट्स के वेट ट्रेनिंग में अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं. सो ऑलवेज बैलेंस द टू, मेक श्योर कि एटलीस्ट 70% आपके प्लान में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो. दिस विल ऑल्सो हेल्प इन इंसुलिन रेजिस्टेंस, दिस विल ऑल्सो हेल्प इन हेल्दी वेट लॉस, बिल्ड अप योर मसल्स, इंक्रीज द बोन डेंसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन में. नेक्स्ट इज हार्मोनल इश्यूज. हार्मोनल इशू एक बहुत बड़ा रीज़न है वेट गेन का. थायराइड की वजह से हो सकता है, किसी मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है. तो जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करो तो मेक श्योर कि आप अपने ब्लड टेस्ट कराइए कि क्या चीज़ है जो आपके वेट को लूज नहीं होने दे रही या उसको स्टैगनेंट कर रही है. सो ऐसे केसेस में थायराइड अपना चेक कराओ, अपना विटामिन D3 लेवल्स चेक कराइए, अपना गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स लेवल्स आप चेक कराओ. उसके बाद ही उनको ठीक करके आप वेट लॉस को बहुत एफिशिएंटली एनकाउंटर कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड योर माइंड. मैं इसको जितना भी एम्फेसाइज करूँ उतना कम है. जैसे ही हमारा स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होते हैं वैसे ही बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है. जब हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो वहाँ पर सारी रिपेयर सब बंद हो जाती है और वो एक सिचुएशन को कंट्रोल करने में या सिचुएशन को फाइट करने में ही सारी एनर्जी लगा देती है. इसकी वजह से उस टाइम पे व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस देयर इज़ एन इंक्रीज लेवल्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स. स्टेरॉयड हार्मोन्स की इंक्रीज की होने की वजह से भी यू विल नेवर बी एबल टू रिलीज दैट वेट. सो यहाँ पर आता है आपका माइंड मैनिपुलेशन, यानी मैनेजिंग योर माइंड, बिकॉज स्ट्रेस माइंड से ही स्टार्ट होता है. आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस को हटाना बहुत डिफिकल्ट है, बट डेफिनेटली वी कैन हैव इनोवेटिव वेज जब हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि हम स्ट्रेस को अपनी स्ट्राइड में लें. सो आई वुड सजेस्ट डू सम माइंडफुल एक्टिविटी विच इज़ एज सिंपल एज अ ब्रीदिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर यू गो टू बेड. दिस विल हेल्प योर बॉडी टू गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रेस साइकिल एंड गो इन टू द रिपेयर मोड एंड यू विल सी कि आपका सडनली वेट रिलीज होना शुरू हो गया, वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, वो स्टैगनेंट नहीं हो रहा बॉडी में. सो दीज सिंपल मेथड्स will definitely help you to have a healthy weight loss. और जब आप एक healthy weight loss करोगे तो आप मेरे पास hair fall की problem की वजह से भी नहीं आओगे और sagging skin के issue के लिए भी नहीं आओगे और ना ही आप आओगे कि मेरी skin पर dullness है. A healthy weight loss ensures कि आपकी body में nutritional requirements पूरी हो रही हैं और वो आपके hair पे अच्छा reflect कर रही हैं और skin को भी एक glow दे रही हैं. Do follow these simple techniques which I have shared today for your healthy weight loss journey, and all the best for that healthy weight loss.